राहुल शर्मा को टीवी इंडस्ट्री में आए 10 साल हो चुके हैं और इन 10 सालों में दर्जनों टीवी सीरियल में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे रहा राजस्थान से मुंबई तक का सफर। राहुल शर्मा का जन्म आज से 34 साल पहले 24 नवंबर 1986 को दौसा राजस्थान में हुआ था। राहुल एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं। राहुल शर्मा का मन एक्टिंग में बचपन से ही था, लेकिन पिताजी इसके सख्त विरोध में थे, इसलिए स्कूल की पढ़ाई के बाद साइंस से ग्रेजुएशन पूरी की और इसके बाद वह MBA की पढ़ाई करने वाले थे। लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली में 3 महीने की वर्कशॉप थी, जिसे राहुल ने भी अटेंड की और 20 दिन में ही डिसाइड कर लिया कि उन्हें एक्टिंग में ही अपना करियर बनाना है और 2010 में मुंबई चले आए। शुरुआत में थिएटर किए और कई ऑडिशन दे डाले, लेकिन किसी भी सीरियल में काम नहीं मिला। इस बीच कई छोटे मोटे कमर्शियल एड्स भी किए। आखिरकार 2011 में कहानी चंद्रकांता की में युवराज इंद्रजीत सिंह का रोल किया। फिर 2012 में तेरी मेरी लव स्टोरीज में आर्यन का रोल प्ले किया, लेकिन 2013 में स्टार प्लस टीवी सीरियल एक घर बनाऊंगा लाइफ चेंजिंग सीरियल साबित हुआ और उन्हें यहां से एक नई पहचान मिल गई। इस सीरियल में उन्होंने आकाश गर्ग का रोल प्ले किया। वैसे पर्सनली ये टीवी सीरियल मुझे भी अच्छा लगता था। इसके बाद कई टीवी सीरियल किए, जैसे कि एक रिश्ता ऐसा भी, सतरंगी ससुराल, नागार्जुन एक योद्धा, डॉक्टर मधुमति ऑन ड्यूटी, विघ्नहर्ता गणेश। 2017 में काल भैरव रहस्य में राहुल प्रकाश का रोल किया। 2018 में मिटेगी लक्ष्मण रेखा और 2019 में लाल इश्क माया 3 में भी काम किया। 2020 में प्यार की लुका चुप्पी में सार्थक यादव का रोल प्ले कर रहे हैं। राहुल शर्मा की ना अभी तक शादी हुई है और ना ही कोई गर्लफ्रेंड है।